मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, एक नगर में वर्षा युग चल रहा था। उसी समय एक श्रावक एक बच्चे को हमारे पास लेकर के आया। बच्चा बहुत घबराया हुआ था, रो रहा था और वो कह रहा था मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने घर नहीं जाऊंगा। सातवीं क्लास का वो बच्चा था। हमने कहा बेटा इतना घबराया क्यों है, रो क्यों रहा है? उसने कहा मेरी मम्मी ने कहा था तुझे 90% लाना है, वो मेरे 70% बने हैं। अब मैं घर जाऊंगा तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी, पापा भी मारेंगे, इसलिए मैं मर जाऊँ घर नहीं जाऊंगा। फिर हमने उस बच्चे के माता पिता को बुलाया और उनको समझाया कि वास्तव में आप बच्चे के जीवन से खिलवाड़ ना करें। आज क्या हो रहा है, हर माता पिता की भावना होती है हमारा बच्चा बहुत अच्छे प्रतिशत लेकर के आए। इस प्रकार से जो क्या प्रतिशत के माध्यम से ही बच्चों का जीवन उज्जवल और सुखी बन सकता है? क्या जो बच्चे कम प्रतिशत लाते हैं क्या उनका जीवन सुखी और अच्छा नहीं बन सकता? इस विषय में आपका मार्गदर्शन हो तो बड़ा उचित हो। बच्चे का रिजल्ट आया, रिजल्ट बाप के हाथ में था और बाप भुन भुना रहा था, बोले ये कोई रिजल्ट है? हिंदी में 20 अंक, अंग्रेजी में 7 अंक, गणित में 12 अंक, साल का 12 बजा दिया, कोई रिजल्ट है? पूरी साल चौपट कर दी। बड़बड़ाया जा रहा था। उसकी धर्मपत्नी ने कहा क्या बात है इतने गर्म क्यों? बोले देखते हैं कोई रिजल्ट है। पत्नी ने रिजल्ट देखा, कहा थोड़ा ध्यान से देखो, तो पता लगा उसके बाप का रिजल्ट था। अरे भाई, तुम बच्चों से जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, पहले खुद को तो देखो कि मैं कहां हूं। और एक बात सदैव ध्यान रखना, रैंक और मार्क्स जीवन को आगे नहीं बढ़ाते, प्रतिभा निखरने से जीवन आगे बढ़ते। बच्चों को अच्छी रैंक लाने के लिए प्रेशराइज मत कीजिए, बच्चों को अच्छा ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित कीजिए। इसका जो दबाव है उसका दुष्परिणाम है कि आज बच्चों के द्वारा आत्महत्याओं जैसी घटनाएं आम होने लगी है, दिनों दिन बढ़ रही है। बच्चों पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, भावनात्मक दबाव आता है और वह उनकी प्रतिभा को भी कुंठित करती है और अनेक प्रकार के मनोकायिक रोग उससे उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इनसे परहेज करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। जो माँ बाप अपने बच्चों पर केवल नंबर्स के लिए दबाव डाल रहे हैं वो अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। हो सकता है कल कहीं उनके ही कारण उनका बच्चा विक्षिप्त हो जाए, डिप्रेशन का शिकार हो जाए अथवा सुसाइड जैसी घटना करने के लिए आतुर हो उठे। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना। बच्चों को पढ़ाओ, मन लगा करके पढ़ने के लिए कहो। और एक बात बताऊं, जितने लोग आगे बढ़ते हैं वो रैंक होल्डर होते हैं ऐसी बात नहीं है, प्रतिभावान लोग होते हैं। तो अंक के लिए, अंक पाने के लिए पढ़ाई मत कीजिए, हृदय में कुछ अंकित करने के लिए पढ़ाई कीजिए। अंक पाओगे वो एक सर्टिफिकेट भर बनेगा, लेकिन अंकित करोगे वो तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने का आधार बनेगा। इसलिए कोई भी माँ बाप ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बच्चे पर इस तरह का दबाव देना कतई उचित नहीं है। आगे बढ़ने दीजिए। और तरीका भी है बच्चों के लिए। एक बच्चे का रिजल्ट निकला, रिपोर्ट कार्ड माँ के हाथ में था, उसमें उसके 5 विषयों में
डिस्टिंक्शन था, पर उसकी फिजिक्स में और इंग्लिश में मार्क्स कम थे। माँ ने रिपोर्ट देखा, सब में गुड गुड लिख दिया, और जो फिजिक्स और इंग्लिश था उसमें कुछ नहीं लिखा। उसकी सहेली बैठी थी, उसने कहा देखो आपको बच्चे को कहना था कि बेटे तुमने सब में अच्छा किया लेकिन फिजिक्स और इंग्लिश तुम्हारा वीक है, तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए, तुमने उसमें कुछ लिखा क्यों नहीं, कोई रिमार्क क्यों नहीं दिया। बोले नहीं मुझे देने की ज़रूरत नहीं। बोले क्यों? बोला मेरा बेटा समझदार है, उसे पता है माँ ने कोई रिमार्क नहीं किया तो मेरी कमी कहाँ है, मुझे क्या करना है, वो सुधार लेगा। दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए। और बच्चे ने आखिरकार अपना सुधार किया और आगे बढ़ गया। तो ये नंबर 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 नंबर, और इसमें भी ज़्यादातर दबाव मम्मियों का होता है, और आजकल की मम्मियाँ, माताएँ तो बची नहीं, इसलिए मैं मम्मियाँ शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, और अब तो माम हो गई हैं, तो आजकल की माएँ, सुधार लेता हूँ, दूसरों से तुलना करती है, उसके बच्चे के इतने परसेंट तो मेरे बच्चे के भी ऐसे हैं। बच्चे का मार्क्स कम आता है तो इनको लगता है जैसे इनके हाथ से बहुत कुछ खो गया, ये अच्छी बात नहीं है, इस पर हमें बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। महाराज श्री ने आज बहुत ही गंभीर विषय को उपस्थित किया।